नाम संजय शास्त्री है और वर्तमान में मैं ऋषिकेश में पिछले कई वर्षों से निवास कर रहा हूँ। और मेरे को लगता है कि मेरे जीवन में जो कुछ भी है वो विरासत मुझे मेरे माँ बाप से मुझे मिली। ईमानदारी को ही कमाया और ईमानदारी को जिया। अपने आदर्शों से समझौता कभी नहीं किया, सिद्धांतों से समझौता कभी नहीं किया। मेरा जन्म जो है पौड़ी में हुआ था और उसके बाद मेरा बचपन और अभी तक मैं ऋषिकेश में ही, मेरा पूरा जीवन अभी तक यहीं बीता है। स्कूलिंग यहीं हुई, डिग्री मैंने यहीं से ली है, लॉ मैंने देहरादून से करी है। तो मैंने पहले यहाँ पौड़ी में मैंने इंटर किया, पौड़ी में मैसमोर इंटर कॉलेज से इंटर करने के बाद मैं फिर यहाँ डिग्री कॉलेज में आ गया और डिग्री कॉलेज में आने के बाद एमएससी मैंने यहीं से करी, फिर लॉ करने मैं देहरादून डीएवी कॉलेज चला गया। तो इस दौरान काफ़ी लंबा समय मेरा छात्र जीवन में जो राजनीति से मेरा जुड़ाव हुआ, तो इसी दौरान मेरा ऋषिकेश में डिग्री कॉलेज में और 1975 के बाद से और अभी तक जो राजनीति में मैं हूँ उसका जो नींव पड़ी वो छात्र जीवन से पड़ी, छात्र राजनीति से पड़ी। मेरी माँ का नाम देवेश्वरी देवी था और पिता का नाम स्वर्गीय धनेश शास्त्री, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। और मेरे को लगता है कि मेरे जीवन में जो कुछ भी है वो विरासत मुझे मेरे माँ बाप से मुझे मिली है। उनका गांधीयन फिलॉसफी में उनका विश्वास था, पूरा जीवन उनका जो था वो गांधी जी के आदर्शों पर ही उन्होंने जीवन जिया है। तो और हमने जीवन में, उन्होंने समय समय पर हमें एहसास भी कराया उस रास्ते को जो गांधी जी ने बताया था, इसलिए हम पर, मुझ पर लंबे समय से उन्हीं के विरासत जो मैं मिली है, उनके आदर्श मिले, उनकी ईमानदारी मिली। क्योंकि मेरे पिताजी राजनीति में भी सक्रिय रहे, तो चमोली जिले, जब चमोली और पौड़ी संयुक्त जिला था उसमें जिला परिषद के शिक्षा समिति के अध्यक्ष भी रहे और सुदूर गाँव में उन्होंने शिक्षा का प्रचार प्रसार और स्कूल खोलने में उनका बड़ा योगदान रहा। और यहाँ भी उन्होंने एकेडमिक, उसमें उन्होंने अपना योगदान काफ़ी दिया और राजनीति में सामाजिक जीवन उनका बहुत लंबा रहा। मेरी माँ विशुद्ध गृहिणी थी लेकिन जीवन में उन्होंने बहुत कष्ट सहे, क्योंकि पिताजी स्वतंत्रता संग्राम में होने की वजह से अक्सर बाहर ही रहते थे। तो उन्होंने भी उनके सहधर्मिणी होने का पूरा फर्ज निभाया और वही आदर्श उन्होंने भी अपने जीवन में रखे जो मुझे और मेरे परिवार के सभी को विरासत में मिले हैं। चार बहनें और तीन भाई हैं, तो तीनों भाई हम यहीं ऋषिकेश में रहते हैं, वो भी सामाजिक जीवन में और राजनीति में सक्रिय हैं। और मेरी बड़ी बहन जो है वो, क्योंकि माता पिता ने अच्छी शिक्षा हम सभी भाई बहनों को दी, तो बड़ी सिस्टर मेरी इलाहाबाद में महर्षि विद्या मंदिर की प्रिंसिपल है, दूसरी सिस्टर मेरी IDPL में सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट रही, तो उसकी डेथ हो चुकी है अभी। और तीसरी बहन मेरी अहमदाबाद में कॉमर्स की लेक्चरर है और चौथी बहन भी प्रिंसिपल है बॉम्बे में, इसी प्राइवेट कॉलेज में वहाँ पढ़ाती है। तो सभी बहनें मेरी अच्छी वेल एजुकेटेड हैं, भाई भी मेरे सब एजुकेटेड हैं और वो भी राजनीति और सामाजिक जीवन में वो भी सक्रिय हैं। तो 1995 में हमारी शादी हुई और वो विशुद्ध गृहिणी है और पूरे घर का देखभाल करना उसी का जिम्मा है। मेरी तीन बेटियां हैं, बड़ी बेटी मेरी एग्रीकल्चर से BSc कर रही है, दूसरी बेटी BCom कर रही है, तीसरी अभी 5th में है। मेरे पिता ही मेरे प्रेरणा स्रोत, बहुत सख्त थे अपने लिए भी और हम सब के लिए भी, और जिस चीज़ को वो गलत कहते थे तो उसके लिए कभी भी वो करने के लिए तैयार नहीं होते थे। ईमानदारी उनका जीवन का मूल मंत्र था और वो ही हमें विरासत।
ईमानदारी मेरे लिए पहले है, और शायद उसका भौतिक जगत में खामियाजा मुझे मिला है, लेकिन मैं संतुष्ट हूँ कि ईमानदारी की वजह से आज मेरी पहचान, मेरे परिवार की पहचान है। इस शहर में बहुत से लोगों ने बहुत कुछ कमाया होगा, लेकिन हमने यही कमाया, ईमानदारी को ही कमाया और ईमानदारी को जिया। अपने आदर्शों से समझौता कभी नहीं किया, सिद्धांतों से समझौता कभी नहीं किया, और आज भी हम उसी पे चल रहे हैं। हो सकता है हमें अचीवमेंट के नाम पर, जो आज जिसको अचीवमेंट बोला जाता है, हो सकता है वो न मिला हो, लेकिन समाज के अंदर हमने अपना परिवार का हमारा विशिष्ट स्थान हमने। चुनौतियाँ तो स्वीकार करनी चाहिए और चुनौतियों से तो लड़ना चाहिए, और उन चुनौतियों से अपने सिद्धांतों और आदर्शों को लेकर आगे बढ़ना चाहिए, तो वही हमारा है। उसमें रिजल्ट क्या होता है इस पर मैं ध्यान नहीं देता, लेकिन मैं उन चुनौतियों को स्वीकार करता हूँ और उनके लिए उस पर आगे बढ़ता हूँ। सक्सेस जीवन में दो ही वो है, एक भौतिक जगत की सफलता है और एक आपके जीवन की जो वास्तविक सफलता है जिसमें आपको संतोष मिलता है। तो भौतिक जगत में तो सफलता के कोई मापदंड नहीं है, लेकिन जो चीज़ हमारे हाथ में है वो हमारे हाथ में है, अपनी ईमानदारी, अपने आदर्श, अपने सिद्धांत, ये हमारे हाथ में, अपने कर्म जो है जीवन में जो हम करते हैं वो हमारे हाथ में है, तो मैं उन्हीं पर विश्वास करता हूँ, उन्हीं को लेकर आगे बढ़ता हूँ। मैं सुबह कम से कम 4:45 बजे और 4:30 बजे के बीच में अपना छोड़ देता हूँ, और उसके बाद मैं स्नान करता हूँ, फिर मैं मंदिर जाने का काम करता हूँ और थोड़ा वॉक करके फिर घर आता हूँ, और उसके बाद नाश्ता लेकर फिर लोगों से मिलने का समय शुरू हो जाता है। फिर मिलने के बाद फिर मैं कुछ समय के लिए, क्योंकि मैं एडवोकेट भी हूँ तो मैं कोर्ट भी जाता हूँ, कुछ समय कोर्ट में भी व्यतीत करता हूँ। उसके बाद दिन भर कहीं अपॉइंटमेंट हो, कहीं कार्यक्रम है, इसमें मैं लग जाता हूँ, ये पूरा दिन ऐसे ही व्यतीत हो जाता है, और 9 बजे 9:30 बजे मैं घर लौट आता हूँ। अपना राजनीति के साथ साथ सामाजिक जीवन भी है, उस सामाजिक जीवन में मैं एक दर्शन महाविद्यालय के नाम से संस्कृत विद्यालय, उसका गुरुकुल को भी देखता हूँ, वहाँ लगभग 120 बच्चे वहाँ रहते हैं और गुरुकुल पद्धति में पढ़ाई करते हैं, तो उसका भी मैं ध्यान रखता हूँ। कभी कभी एक गोदाम भी चलाता हूँ जिसमें निराश्रित वृद्ध और ऐसी जिनका कोई देखने वाले नहीं होता है, बीमार गायों का आश्रय स्थल हमने लोगों ने बनाया, उसकी भी देखभाल कभी कभी करने चला जाता हूँ या उस पर भी वॉच रखने का काम करता हूँ, तो इसमें भी काफ़ी समय मेरा निकल जाता है। राजनीति में क्या, सामाजिक जीवन में मैं था और वो मुझे पसंद भी है और पसंद भी था। वो धीरे धीरे मैं 1975 में जब मैं यहाँ डिग्री कॉलेज में आया तो कुछ दोस्त मिले, फिर NHI में आया, फिर NHI के ज़रिए बदलने का, कुछ करने की इच्छा जागी, और उस करने की इच्छा के पीछे थोड़ा थोड़ा राजनीति से मैं जुड़ता चला गया, और कुछ समय ऐसा आया कि मैं पूरा ही मेरा जीवन छात्र राजनीति से में लग गया, और काफ़ी लंबा समय मैंने, मुझे लगता है कि मैंने अपने लिए कभी राजनीति नहीं करी, मैंने समाज के लिए, प्रदेश के लिए, राष्ट्र के लिए ये सोच कर कि राजनीति का उद्देश्य यही है कि हम कुछ ऐसा बदल सकें, हम लोगों के लिए कुछ कर सकें, तो मेरा राजनीति का उद्देश्य शुरू से यही रहा। बहुत से लोग अपने लिए राजनीति करते हैं, मेरा राजनीति में आना और करना और अभी तक का जो जीवन है वो समाज के लिए ही रहा। 1988 में मैंने चुनाव लड़, पहले मैंने डिग्री कॉलेज के अध्यक्ष का चुनाव लड़ा और बहुत लंबे समय तक वहाँ छात्र जीवन में रहा, तो बहुत से बच्चों को वहाँ अध्यक्ष बनाने का और ये सब लड़ाने का काम करता रहा। 1988 में मैं नगरपालिका का चुनाव अचानक 19 साल बाद हुए, हम चुनाव लड़ गए तो हम चुनाव जीत गए, तो यहाँ सभासद बन गया।
छः साल उस समय, क्योंकि 5 साल के बाद 1 साल बड़ा था, 6 साल यहाँ सभासद रहा। फिर अगले चुनाव में मैं चुनाव हार गया तो कुछ निराशा से भी थोड़ी देर के लिए, फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, ये तो एक पार्ट ऑफ गेम है। तो लेकिन 1 साल भी नहीं बीता था कि मेरे को बहुत बड़ा पद मिल गया, मैं अचानक से संयुक्त रोटेशन यातायात व्यवस्था का अध्यक्ष बन गया, जिसमें लगभग 3,500 बसेस चलती हैं पूरे पहाड़ के अंदर यात्रा काल में, और 9 यहाँ की पूरे गढ़वाल और कुमाऊँ की 9 परिवहन संस्थाओं का एक संघ बनता है, उसका मैं अध्यक्ष रहा। और मैं 1998 में अध्यक्ष बना, मैं लगभग पूरे 9 वर्ष तक लगातार अध्यक्ष रहा, फिर एक बार और फिर दोबारा मुझे अध्यक्ष बनाया, 10 वर्ष तक मैं उस संस्था का अध्यक्ष रहा। तो बहुत लंबा पीरियड मुझे सेवा करने का यहाँ मिला, जिसके जरिए मैंने यात्रा काल में हो, परिवहन संस्थाओं के समस्याओं को, बस वालों की समस्याओं को, ड्राइवर कंडक्टर की समस्याओं, इनके लिए मैंने बहुत लंबा समय काम किया। तो उसके बाद मेरा, मुझे टिकट मांग रहा था यहाँ से, तो पहले बार भी टिकट काटा गया यहाँ मुझे चेयरमैन का, दूसरी बार फिर मुझे टिकट काटने का दुख नहीं था, लेकिन जिसको टिकट दिया गया था वो बहुत मुझसे बहुत जूनियर भी था, इतना योग्य भी नहीं था, और इस सब होने के बाद मुझे कुछ उपेक्षा सी महसूस हुई, और कुछ ही, और दूसरा उस समय का राजनीतिक वातावरण बदल रहा था, बड़ा क्षोभ होता था कांग्रेस के उसमें रहने से, और उसी दौरान बीजेपी वाले मेरे संपर्क में आए और मुझे भारतीय जनता पार्टी में, तो भारतीय जनता पार्टी में मैं बिना किसी स्वार्थ के और बिना किसी शर्त के मैंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया, और ज्वाइन करने के कुछ समय बाद लोकसभा का चुनाव हुआ, मुझे संयोजक बना दिया गया यहाँ विधानसभा का, दोबारा विधानसभा का प्रभारी बना दिया गया विधानसभा चुनाव में, फिर लोकसभा चुनाव आए तो फिर संयोजक बना दिया गया मुझे, फिर नगरपालिका का चुनाव आया तो मुझे फिर नगरपालिका का संयोजक बना दिया गया चुनाव के लिए। अधिकतर मेरा जीवन भारतीय जनता पार्टी में चुनाव के दौरान मेरा ज़्यादा सक्रिय भूमिका रही है, मतलब चुनाव लड़वाने के काम में मुझे पार्टी ने अभी तक मेरा उपयोग बहुत ज़्यादा किया है। जब मैं राजनीति में ऐसे लोगों को बढ़ता हुआ देखता हूँ कि जिनके पास न कोई विज़न है, न कोई विल है, और न उनका कोई ऐसा उद्देश्य है कि राजनीति, क्योंकि राजनीति समाज को बदलने का माध्यम है, लेकिन जो लोग आज राजनीति में काबिज हैं और बड़े बड़े पदों पर हैं, उनको भी मैं ये महसूस करता हूँ कि उनका, उनके अंदर भी कोई ना इच्छा शक्ति है बदलने की बात, ना उनके अंदर कोई उनका विज़न है कि हम राजनीति में, उनकी समझ भी नहीं है राजनीति में कि वो क्यों है। तब मुझे ये लगता है कि मुझे ऐसी जगह और मेरे जैसे कई लोग होंगे जो उपेक्षित और पीछे पड़े हुए हैं, जो जिनके पास अपना विज़न भी होगा, उनके उद्देश्य भी होंगे, वो बदलना भी चाहते होंगे, जिनके आदर्श भी होंगे, सिद्धांत भी होंगे, उन लोगों को उन जगहों पर होना चाहिए, तब थोड़ा सा। तो स्वप्न भी यही है कि कभी ऐसा मौका मिले जहाँ मैं कुछ बदलने की स्थिति में हूँ, तो ये स्वप्न हर समाज में, राजनीति में काम करने वाले व्यक्ति का, वो मेरा भी है। कॉस्मोपॉलिटन नेचर हो गया, अब संत भी हैं, समाज के बदलने वाले, समाज को दिशा देने वाले लोग भी हैं, आध्यात्मिक जगत के लोग भी हैं, योग के लोग भी हैं, और पूरी दुनिया यहाँ आती है, और आज पूरी दुनिया में गंगा का महत्व तो बड़ा है, लोगों के सोचने का तरीका भी बदला है। मेरे जो मन में कल्पना है ऋषिकेश की, वो ये है कि ऋषिकेश योग और आध्यात्मिक कैपिटल होने की वजह से यहाँ का वातावरण इतना सुखद और इतना अच्छा होना चाहिए कि लोग यहाँ एंट्री लेने के तुरंत बाद ये महसूस करें कि हम किसी विशिष्ट जगह आए हैं, जहाँ का पूरा वातावरण, पूरा कल्चर, पूरी संस्कृति सब जो है आध्यात्मिक है, ये इसका स्वरूप मेरे मन में जो है। लेकिन जो लोग बैठते हैं, जो लोग, वो क्या सोचते हैं ये उनके ऊपर है कि इसको बदलने के लिए वो क्या प्रयास कर रहे हैं, लेकिन होना यही चाहिए। राजनीतिक दृष्टि से तो जितने भी आंदोलन हुए हैं उन सब में मेरी, चाहे उत्तराखंड आंदोलन रहा हो, IDPL बंद होने की कगार, बंद हुआ तब उसके विरोध में है, और
परिवहन संस्थाओं की तरफ से मैंने बड़े बड़े आंदोलन किए, जिसमें काफ़ी 10-10 दिन तक हमने ये बंद किए। लेकिन जो महत्वपूर्ण काम मुझे जो लगता है जिसकी आवश्यकता इस देश को है, इस देश को नहीं इस दुनिया को है, वो मैं गुरुकुल जो हम चला रहे हैं और वहाँ जो हम विद्यार्थी तैयार करके बाहर निकाल रहे हैं, वो अगर हम अपने उद्देश्यों में सफल हो जाएं तो वो मैं अपना सबसे बड़ा काम मानता हूँ। और दूसरा, गौ सेवा का हम काम कर ही रहे हैं तो, लेकिन महत्वपूर्ण काम मेरा जीवन का वही है, उन गुरुकुल से जो बच्चे बाहर निकल रहे हैं और वो दुनिया को भारतीय संस्कृति का जो संदेश देंगे, क्योंकि आज भारतीय संस्कृति ने अपना लोहा पूरी दुनिया में मनवाया, तो उसके और आगे बढ़ाने के लिए हम उन्हीं गुरुकुलों में बच्चे तैयार हो रहे हैं, वो मेरा महत्वपूर्ण। मेरे पिताजी ने जेल में एक कविता लिखी थी, तो वो जो कंबल वो ओढ़ते थे उस पर उन्होंने कविता लिखी है, तो उस कविता को मैं 4 लाइन उसकी सुनाता हूँ। ओ गरीब के साथी कंबल, ओ स्वतंत्रता के अमली, आज तुम्ही फिर कर आए संग लिए प्यारी तसली। कारागृह से बिछुड़ा था जब यदा करदा करता मैं याद, मन मंदिर में ओढ़ तुझे तब लिपट लिपट करता संवाद। पुनर्मिलन की बेला में तुम झटपट आए लपक झपक, बंदी गृह में बंधे हुए क्या लाखों संख्या में बंधक। ज्ञात हुई बस मित्र मुझे सब तेरे जीवन की करुणा, दलित वर्ग की आहों से बुन ताना है मैं तेरा बाना। इस पर भी अति दंड महाकर दिया तुझे है मौन बना, कृष्ण भवन की अंधियारी में जंजीरों से कसा तना। अनावस्त्र का बनकर साथी प्रेम स्रोत दिखलाता है, शिशिर ग्रीष्म हिम वर्षा में झट सबकी इलाज बचाता है। दलित वर्ग का मूक देवता तुझसे ही पाता सम्मान, साम्यवाद को दिखलाना ही तेरा है उद्देश्य महान। आध्यात्म तो एक अलौकिक चीज है और ये साधना है, लेकिन ईश्वर का जो अस्तित्व है वो मैं इसलिए भी इसको कह सकता हूँ कि जीवन में आप कुछ करना चाहते हैं और वो करते करते आप जीवन बिता देते हैं, वो नहीं होता है। तो इसके पीछे, और बहुत से लोग कुछ भी नहीं करते हैं और उन्हें सब कुछ मिलता जाता है, तो कहीं ना कहीं इसमें मुझे लगता है कि प्रारब्ध और ईश्वर की कृपा ये आवश्यक है। तो ईश्वर में अगाध विश्वास है और ईश्वर जो भी निर्णय लेता है, जो भी करता है, मेरे दुख में तेरे दुख में तेरी इच्छा पूर्ण हो, ईश्वर के लिए है ये कि उसकी जो इच्छा है वही पूरी होती है, हम लोग तो सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। विचारों से ऊर्जा मिलती है, आप जैसा जैसा सोचते जाते हैं वैसे वैसे आपके अंदर ऊर्जा उत्पन्न होती है। अभी आपके विचार शून्य हो जाएंगे, आपकी ऊर्जा समाप्त हो जाएगी, तो ये ऊर्जा अपने भीतर से ही निकलती है और धीरे धीरे आदमी समाज में काम करता है। जीवन को एक खेल की तरह लेता हूँ अब मैं, क्योंकि जीवन में कभी आशा कभी निराशा ये लंबे समय तक चलती रहती है। जब तक इच्छाएं रहती हैं तो आदमी की आशाएं जीवित रहती हैं, लेकिन जब आदमी को समझ आ जाती है कि इच्छा से कुछ नहीं होता, तब आदमी जो है केवल कर्म करता है, और मैं भी केवल कर्म करता हूँ अब, उसमें इच्छा और उसका कोई स्थान मुझे अब महसूस नहीं होता जीवन के इतने वर्ष काम करने के बाद। पहले देखता था फिल्म, लेकिन अब काफ़ी लंबे समय से मैंने फिल्म्स नहीं देखी हैं। एक काला पत्थर अमिताभ बच्चन की देखी थी, उसे मैंने कई बार देखा। अमिताभ बच्चन का रोल मुझे उसमें जो उसका संघर्ष था, उसका लड़ाई थी गरीब लोगों के लिए, और जो उसका, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने उसे कई बार देखी है। घूमने फिरने का मैं ये भी बहुत लंबा घूमा हूँ, पहाड़ पे भी बहुत घूमता था, पैदल भी बहुत चलते थे, और ये अपने जो दोस्त लोग इकट्ठा होके ट्रैकिंग पे रोज ही निकल जाते थे, तो ये लंबा शौक है मेरा, सभी जगह पहाड़ी इलाके में काफ़ी घूमा हूँ, और जब भी मौका मिलता है आज भी घूमने चला जाता हूँ। टर्निंग पॉइंट ऐसा, मैं क्योंकि मेरा जीवन बहुत लंबा समय तक एक ही जैसा है,
क्योंकि मैं लगातार काम करता रहा, तो भाई यही है कि जब मैं चुनाव हारा था तो कुछ क्षण के लिए मुझे बड़ा निराश महसूस किया था मैंने उस चुनाव जो हारा मैं, लेकिन उसके तुरंत अगले ही क्षण मुझे मैंने अपने मन में तय कर लिया कि मुझे फिर से शुरू करना है, तो मैंने दोबारा से शुरू कर लिया। तो लेकिन जब मैं भारतीय जनता पार्टी में आया, यहाँ आया इसीलिए था, मेरे को ये लगा कि ये बहुत अनुशासित पार्टी है और कांग्रेस से काफ़ी अलग है, तो इसलिए मैं बीजेपी में, मेरे को अच्छा लगा बीजेपी में। मैंने काफ़ी लंबा, मुझे 11 साल हो गए इसमें काम करते करते, तो एक अन्य राजनीतिक दलों से थोड़ा अलग तो है। आज जो है नरेंद्र मोदी मेरे फेवरेट पॉलिटिशियन है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग विल है, स्ट्रॉन्ग क्लियर विज़न है और डिसिसिव है, बहुत डिसीजन लेने वाले की उनके अंदर कैपेसिटी है, इसलिए फेवरेट पॉलिटिशियन तो इस समय नरेंद्र मोदी है मेरे। पहले महात्मा गांधी का जो आदर्श थे वो तो जीवन में मेरे रहे हैं और आज भी हैं, ऐसा नहीं। यही कि अपने जीवन में ईमानदारी को पहला स्थान सबको रखना चाहिए, और जब आदमी इस देश के नागरिक जीवन में ईमानदारी को अगर पहला स्थान देंगे तो कोई भी गलतियां जो गलत काम हो रहे हैं वो अपने आप ही स्वतः ही रुक जाएंगे।